हेलो गाइस, हम अभी पहुंच गए हैं बूढ़ा केंदु के पास। अभी मेरे दो भाई हैं, राम बलराम जी यहाँ पे खड़े हैं, वो भी आए मेरे साथ घूमने। हाय फ्रेंड, अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारा मेला लगा हुआ है। यहाँ पे आज का जो फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। देखिए देखिए इस मेले में कितने सारे आदमी आए हैं। ये बहुत ही फेमस है, हाँ, साउथ उड़ीसा का सबसे फेमस जगह है। आप लोग भी एंजॉय करने आ सकते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर का आदमी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। देखिए अभी धीरे धीरे हम नज़दीक जा रहे हैं मंदिर के पास। जी बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है यहाँ देखने के लिए। आप लोग देखते हैं कितना सारा मेला लगा हुआ है, बहुत चीज़ सारे चीज़ भी बेचा जा रहा है। आदमी लोग यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। इसका खासियत यही है कि इस मंदिर में बहुत से पौराणिक जो कथा है उसका एक बहुत पुराना पेड़ सब लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि जिसी को भगवान के रूप से यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इसी के लिए इसको बूढ़ा केंदु नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ का सबसे एक चीज़ क्यों ये साउथ उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध है, जैसे तारा तारिणी मंदिर के बाद ये सबसे फेमस है। यहाँ से दूर दूर आदमी लोग जब आते हैं बैसाख कर जो होता है, बैसाख कर पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं फेस्टिवल के खाना भी बनाया जाता है। बहुत पुरोहित भी आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। देखिए यहाँ पे कितने सारे आदमी यहाँ जमा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो हेलो गाइस, आप भी आ सकते हैं यहाँ, इसको इस एंजॉय के टाइम में घूम सकते हैं। देखते रहो, अपने फैमिली के साथ भी आइए, एंजॉय कीजिए और अपना एक टाइम स्पेंड कीजिए जो कि आप शायद कभी ज़िंदगी में यहाँ पे आ नहीं सकते। अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए। अभी हम धीरे धीरे नज़दीक जा रहे हैं। देखिए ये सब पेड़ जितना पुराने बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे, उसी के नाम पर माना जाता है। देखिए यहाँ देखिए छोटे छोटे खिलौना भी बेचा जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे को खिलौना भी, कपड़े भी बेचा जाता है, सब कुछ। इस मेले में जो कुछ आप चाहेंगे वो सब मिल सकता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक ओम शांति जो ब्रह्म कुमारी जो है उनका एक मेला लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब नैतिक गुण जो है तो होता है उसी के प्रवचन के माध्यम से यहाँ जाना जाता है। ये भी सिखाया जाता है जैसे संस्कार के रूप से यहाँ पे बहुत कुछ भाई लोग बहन लोग यहाँ पे खड़े हैं, उन लोग भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत बोलते हैं। देखिए देखिए ये विश्व रूप है जो ब्रह्मांड के शिव के को माना जाता है। शिव महापुरुष हैं जो कि ब्रह्मा जी का रूप से जाना जाता है। देखिए यहाँ तो लगा हुआ है मेले में ओम शांति है उनका। देखें और यहाँ पे देखिए कितना ढोल और बाजे के साथ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है अभी। देखिए वहाँ पे कीर्तन भी चल रहा है। देखिए गाइज, अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे नज़दीक मंदिर के पास। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है यहाँ पे मेले पे। आदमी लोग का भीड़ बढ़ रहा है, आदमी लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ के मेले में। देखिए गाइज, अभी देखिए मेरा राम बलराम दोनों आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोनों भाई। देखिए दोनों हाथ पकड़ के दोनों चल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे नृत्य कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे कार्यक्रम जो चल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। आराम ये संगीत नाट्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। देखिए चल रहा है यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है। शायद आपको ये बात सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। यहाँ पे बहुत शोर शराबा चल रहा है, आदमी लोग का भीड़ हुआ है। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। फिर भी हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं, वो सब चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो चीज़ आप कभी देखे नहीं होंगे। यहाँ पे मंदिर को सब कोई जा रहा है, मंदिर के नज़दीक हम लोग हो रहे हैं। देखिए वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, जो देखिए वहाँ पे खड़ा है, वो गाइडलाइंस दे रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी देखिए खड़े हैं, वो गाइडलाइंस दे रहे हैं आदमी लोगों को जाने के लिए। हम लोग मंदिर के अंदर ही जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए धीरे धीरे देखिए वो देखिए ये वही मंदिर जिसके नाम पे शायद इतना भीड़ में हम मंदिर नहीं जा सकते। सॉरी गाइज, हम आपको मंदिर अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना भीड़ में अंदर जाना थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे लोग स्काउट गाइड में खड़े हैं जो कि गाइडलाइंस दे रहे हैं आदमी लोगों को कैसे जाएंगे, कैसे लेडीज और जेंट्स को देख रहे हैं आप लोग सब। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। देखिए आराम से देखिए
देखिए ये सब पेड़ पौधे जो है ना, इसी को ही खूबसूरत नजारा बोलते हैं ना। देखिए कितने बड़े बड़े इमली का पेड़ हुआ हुआ, इसी को ही पूरा केंद्र नाम के जाना जाता है। देखिए देखिए। हेलो गाइस, तो फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।